राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। जयपुर के शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इसे जारी किया है, जिसमें एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। परिणाम में 94.6% छात्राएं पास हुई हैं। वहीं छात्रों का परिणाम 90.65% रहा है। और जिले की बात की जाए तो जोधपुर का सबसे ज्यादा परिणाम 96.21% रहा है, तो सबसे कम रिजल्ट प्रतापगढ़ जिले का 86.08% रहा है। शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का भी रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें प्रदेश भर के 5,592,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सभी सफल विद्यार्थियों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। और मैं जो जल्दबाजी में आंकड़ा देख पाया हूँ वो बहुत ही इंकरेजिंग डेटा है राजस्थान के हिसाब से, कि जो 7.05 लाख विद्यार्थी अपीयर हुए उसमें लड़कियों की संख्या 3.52 लाख है, लड़कियों की संख्या 3.53 है और 3.52 लाख, यानी कि कोई ज़्यादा फर्क अब नहीं रहा है। तो प्लस टू आर्ट्स में लड़के लड़कियों की संख्या अगर इतनी कंपेरेबल हो गई है प्लस टू तक, इसका मतलब लड़कियाँ पहुँच पा रही हैं, इससे इस डेटा से बहुत ही साफ तौर पर दिख रहा है। और दूसरी सर जो बहुत ही अच्छी बात इसमें देखने वाली है वो ये है कि फर्स्ट ग्रेड में लड़कियों की फर्स्ट ग्रेड में जो पास हुई है, फर्स्ट डिवीजन में जो लड़कियां पास हुई हैं उनकी संख्या 1,90,000 है। तो लड़कियां ज़्यादातर जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं, लड़के जो है ज़्यादातर सेकेंड डिवीजन में पास हुए हैं, यानी कि 1.5 लाख, उसमें फर्स्ट डिवीजन की संख्या लड़कों की कम है। तो लड़कियां संख्या में भी मुकाबला कर रही हैं और डिवीजन वाइज कंपेरिजन करते हैं तो उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये हमारे शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही एनकरेजिंग बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लड़कियों ने प्लस टू आर्ट्स पास किया है वो अपने ग्रेजुएशन में और अच्छा करते हुए राज्य